अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के शव का बीती रात जबरन पुलिस ने अंतिम संस्कार करा दिया। भारी विरोध के बीच परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार से पहले घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रदेश सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख देने की घोषणा की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बीच दूसरे निर्भया कांड से तुलना की जा रही इस केस ने विपक्ष को भाजपा सरकार पर आक्रामक होने का पूरा मौका दे दिया है। विपक्ष का कहना है यूपी में वर्तमान में जंगल राज कवायद है, चारों तरफ जनता त्राही त्राही कर रही है। देश की फिल्मी हस्तियों ने भी इस कांड की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश के कई जिलों के अलावा आज मेरठ में भी इस घटनाक्रम को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सपा ने पैदल कैंडल मार्च भी निकाला। हाथरस में हाल ही में एक युवती के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया था। विरोध करने पर उसकी रीढ़ तोड़ दी गई थी। आरोप यह भी लगाया जा रहा था कि उसकी जीभ भी काटी गई है, लेकिन चिकित्सकों का कहना था कि गला दबाने के दौरान जीभ दांतों के बीच आ गई, जिस कारण संभवतः जीभ कट गई होगी। हाथरस पुलिस ने इस घटना को छिपाते हुए शुरू में इसे अफवाह बताया था, लेकिन बाद में यह जघन्य कांड दुनिया के सामने उजागर हो गया। युवती को मरणासन्न हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। मंगलवार देर रात पुलिस शव लेकर हाथरस जनपद के बुलगाड़ी गाँव पहुंची। ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं थे, लेकिन पुलिस ने भारी विरोध के बावजूद परिजनों की गैर मौजूदगी में रात करीब 2:45 बजे बिना किसी रीति रिवाज के पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान मीडिया को भी दूर ही रोककर आगे जाने नहीं दिया गया। परिजन बराबर यह कहते रहे कि शाम ढले अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन पुलिस ने पीड़िता के शव को एक तरफ ले जाकर फूंक दिया। यूपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की इस हरकत को कायराना बताया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि निर्दयता की यह हद है। जिस समय सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, उस समय सरकार ने निर्दयता की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। आम आदमी पार्टी ने अंतिम संस्कार का वीडियो अपने फेसबुक पेज पर डाउनलोड किया है। यूपी के कई जिलों के अलावा मेरठ में भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जिले में जगह जगह रास्ते जाम किए गए हैं और विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। सभी लोग दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। वाल्मीकि चेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने शहर घंटाघर पर भी जाम लगाया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो तमाम लोग तपती सड़क पर लेट गए। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल कैंडल मार्च किया। ये लोग बेटी हमारी है, अब सरकार जाएगी तुम्हारी, जैसे नारे भी लगा रहे थे। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।